नमस्कार। श्री टॉड ने राजस्थानी इतिहास, श्री ऑरल स्टाइन ने कश्मीरी इतिहास और श्री एटकिंसन ने हिमाचल प्रदेश का इतिहास लेखन किया है। उसी प्रकार श्री अलेक्जेंडर फिनलॉक फोर्ब्स ने गुजरात के इतिहास पर शोध कार्य किया। इसके लिए उन्होंने चारण भाटों से लेकर शिलालेखों, जनश्रुतियों, राजबाड़ों के पोथी खानों में विलक्षण तल्लीनता और परिश्रम से यह कार्य किया। उनके द्वारा लिखित रासमाला में गुजरात के चालुक्य और बाघेला वंश का विशद वर्णन है। यह पुस्तक सन 1924 में प्रकाशित हुई थी और उसका गुजराती अनुवाद 1927 में व बाद में हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित हुए। तत्कालीन समाज की कमियों और खूबियों की जानकारी के लिए और साथ ही विदेशी आक्रांताओं के समक्ष हमारी पराजय के कारणों को जानने समझने में इन कथानकों से हमें मदद मिल सकती है। इस दृष्टि से ही यह वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ, हमारे पूर्वजों ने इतिहास बनाने में दिलचस्पी ली, इतिहास लेखन में नहीं। इसी कारण जिन लोगों ने भी लिखा उसमें कल्पना का भी पर्याप्त मिश्रण रहा। उसमें से सत्य का अनुमान हमें ही करना होगा। तो आइए कथानक प्रारंभ करते हैं। यह कथानक है धार के परमार नरेश उदयादित्य के पराक्रमी व सौभाग्यशाली बेटे जगदेव का। उदयादित्य के दो रानियां थीं। बाघेला वंश की रानी के पुत्र रणधवल आयु में बड़े होने के अतिरिक्त राजा की प्रिय रानी के पुत्र भी थे, जबकि सोलंकी वंश की रानी पर राजा का प्रेम भी कम था और जगदेव आयु में छोटे होने के कारण एक प्रकार से उपेक्षित ही रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और दोनों राजकुमारों ने युवावस्था में कदम रखा, जगदेव के गुणों की चर्चा होने लगी। वे जनप्रिय होते गए। राजा के मन में भी उनके प्रति स्नेह जागृत होने लगा। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि वे अब बिमाता के निशाने पर रहने लगे। एक बार जब धार नरेश उदयादित्य मांडू गए हुए थे, पीछे से जगदेव के गुणों से प्रभावित होकर गोंड देश के राजा गंभीर ने अपनी पुत्री के विवाह का नारियल भेजा उनके लिए। लेकिन विमाता ने चाल चली और पुरोहित को यह बताकर कि राजा के उत्तराधिकारी तो उनके बेटे रणधवल हैं, वह नारियल जगदेव के स्थान पर रणधवल को दिलवा दिया। लौटकर पुरोहित ने गोंड राजा गंभीर को भी इस विवाह हेतु सहमत कर लिया और तय समय पर धार से बारात रवाना हुई। बारात में जगदेव भी थे। रास्ते में टोंक के चावड़ा वंशी राजा को जब यह समाचार ज्ञात हुआ तो उन्होंने धार के आमात्य से आग्रह किया कि उनकी पुत्री वीरमती का विवाह जगदेव से करा दिया जाए, उसके बाद बारात आगे जाए। और इस प्रकार राजकुमार जगदेव का विवाह पहले हो गया और उसके बाद रणधवल का विवाह हुआ। दोनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों के साथ धार वापस लौटे। मांडू से लौटने के बाद राजा उदयादित्य इन विवाह समाचारों से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जगदेव को अपना गले का हार और कटार भेंट स्वरूप दे दी। लेकिन सौतिया डाह में डूबी बड़ी रानी ने जिद करके वह दोनों चीजें वापस मंगवा ली। जगदेव को इसमें अपना अपमान प्रतीत हुआ और उन्होंने कुछ कर दिखाने की चाह में राज्य छोड़ दिया। जाते समय उन्होंने अपनी माँ से कहा, सिंह न देखे चंद्रमा, ना संपत्ति ना रिद्धि, एकाकी साहस भलो, जह साहस तह सिद्धि। सिंह चंद्रमा अनुकूल है या नहीं यह देखकर शिकार को नहीं निकलता। हाथ में पैसा हो ना हो, देव अनुकूल हो ना हो, साहसी व्यक्ति को
हर काम में सफलता मिलती है। उनके घर छोड़ने का समाचार पाकर उनकी पत्नी वीरमती ने भी साथ चलने का हट किया। मार्ग में नरभक्षी शेरों को मारने से उनकी ख्याति उनसे दो हाथ आगे चलने लगी। हर जगह उनका सत्कार हुआ। पाटन पहुंचने के बाद जब जगदेव जगत प्रसिद्ध सिद्धराज जयसिंह के दरबार में कोई काम तलाशने गए, पीछे से उनकी पत्नी वीरमती को एक वैश्या फुसलाकर अपने घर ले गई, जहां वीरमती के हाथों अपनी आबरू बचाने की खातिर पाटन के कोतवाल के बेटे का खून हो गया। इतना ही नहीं तो उस वीरांगना ने उसे पकड़ने आए कई सैनिकों को भी यमपुरी पहुंचा दिया। समाचार पाकर महाराज सिद्धराज स्वयं वहां पहुंचे और वैश्या व कोतवाल को दंडित कर जगदेव को अपने दरबार में नियुक्त कर लिया। जगदेव ने अनेक वर्षों तक पाटन नरेश सिद्धराज जयसिंह की पूर्ण निष्ठा से सेवा की। इस दौरान उनके दो पुत्र हुए, जगधवल और बीज धवल। गुजरात की लोक गाथाओं में जगदेव शीश के दानी के रूप में प्रसिद्ध हैं। एक विचित्र प्रसंग रासमाला में वर्णित है। मित्रगण उसे इतिहास माने या ना माने, यह उनके विवेक पर निर्भर है, किंतु वह रोचक अवश्य है। हुआ कुछ यूं कि राजा सिद्धराज को आधी रात में कुछ महिलाओं के रोने और कुछ के गाने की आवाज आई। उन्होंने पहरे पर तैनात जगदेव से इसका कारण मालूम करने को कहा। राजकुमार जगदेव अपनी ढाल सर पर रखकर और तलवार हाथ में लेकर रवाना हुए। राजा ने सोचा कि देखना चाहिए कि जगदेव भादों की इस भयावह काली अंधियारी रात में जाते भी हैं या नहीं, और वह भी जगदेव के पीछे छिपकर चल दिए। नगर के बाहर श्मशान से ही आवाजें आ रही थीं। इसे अनुमान कर जगदेव निडरता पूर्वक वहां जा पहुंचे। वहां कुछ महिलाएं विलाप कर रही थीं तो कुछ गा रही थीं। उन्होंने विनम्रता पूर्वक रो रही महिलाओं से उनके रोने का कारण पूछा। उन महिलाओं ने उत्तर दिया, हम लोग पाटन की योगनियां हैं। कल पाटन के लोकप्रिय राजा सिद्धराज जयसिंह की मृत्यु होने वाली है, यह जानकर हम दुखी हैं। अचंभित जगदेव ने अब हंसने और गाने वाली महिलाओं से उनके प्रसन्न होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि हम लोग दिल्ली की इष्ट देवियां हैं। कल जब पाटन के इस प्रतापी राजा की मृत्यु हो जाएगी तो गुजरात भी दिल्ली के अधीन हो जाएगा, यही हमारी प्रसन्नता का कारण है। जगदेव ने उन देवियों से पूछा कि आज के समय में महाराज जयसिंह देव से अधिक धर्मपरायण और जनसेवक कोई राजा नहीं है, क्या किसी प्रकार उनकी मृत्यु टल नहीं सकती? इस पर देवियों ने उत्तर दिया कि अगर राजकुल का कोई व्यक्ति अपना शीश दान कर दे तो राजा की मृत्यु टल सकती है। जगदेव ने कहा कि मैं भी धार का राजकुमार हूँ, क्या मेरे शीश दान से महाराज जयसिंह देव पर आई विपत्ति टल सकती है? देवियों के हाँ कहने पर उसने कहा कि मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलकर वापस लौटता हूँ। इस पर देवियाँ ठठा कर हंसने लगीं और कहा, कौन ऐसी महिला होगी जो अपने सुहाग को मृत्यु के लिए अनुमति देगी? जरूर जाओ, किंतु हमें निश्चित ज्ञात है कि तुम नहीं लौटने वाले। झाड़ियों में छुपे महाराज जयसिंह देव चकित भाव से यह सब नज़ारा देख सुन रहे थे। उन्हें पहली बार ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ सेवक के रूप में कार्यरत जगदेव वस्तुतः धार के राजकुमार हैं। देवियों के साथ साथ वे भी इंतजार करने लगे कि जगदेव अपनी पत्नी से मिलकर लौटते हैं या नहीं, किंतु यह क्या, जगदेव लौटे लेकिन अकेले नहीं, अपनी पत्नी और दोनों पुत्रों के साथ। उन्होंने आते ही पूछा कि मेरे शीश दान के बदले महाराज जयसिंह देव की कितनी आयु बढ़ेगी? देवियों ने उत्तर दिया, 12 वर्ष।
इस पर जगदेव ने कहा कि मेरी पत्नी भी मेरे बाद जीवित नहीं रहना चाहती, वह बाद में सती होने के स्थान पर मेरे सामने ही अपना जीवन दान करना चाहती हैं। हम दोनों के बाद इन अबोध बच्चों का, इन नन्हे बालकों का क्या होगा, अतः आप हम चारों के शीश लेकर महाराज के जीवन को 48 वर्ष बढ़ा दें। देवियों के सहमत होते ही वे अपने बड़े पुत्र का सर काटने को उद्यत हुए, किंतु उन्हें देवियों ने रोक दिया और कहा कि हमने तुम चारों का बलिदान स्वीकार कर लिया है और राजा सिद्धराज जयसिंह देव का जीवन 48 वर्ष बढ़ा दिया है। जगदेव प्रसन्नतापूर्वक वापस हुए। उनकी स्वामी भक्ति और उनकी पत्नी की पति भक्ति से अभिभूत राजा जयसिंह देव भी अपने महल में चले गए। दूसरे दिन दरबार में महाराज ने दरबारियों को सब वृत्तांत सुनाकर कहा कि आज के बाद मैं जो राज्य करूंगा वह जगदेव के प्रताप से ही। उन्होंने न केवल अपने राज सिंहासन के बगल में जगदेव के लिए आसन लगवाया बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ कर दिया। किंतु यह उदारता और मधुर संबंध अधिक समय तक नहीं ठहरे। कई अति मानवीय गाथाओं का लब्बोलवाब यह है कि राजा जयसिंह देव को जगदेव की राज्य में बढ़ती ख्याति से ईर्ष्या होने लगी और उसी मानसिकता में उन्होंने जगदेव को नीचा दिखाने के लिए धार पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया, मालवा पर आक्रमण करने का निर्णय ले लिया। स्वाभाविक ही अपने गृह राज्य पर संकट आया देखकर जगदेव ने भी महाराज जयसिंह देव से विदा लेकर धार को प्रस्थान कर दिया। उनके पिता धार नरेश उदयादित्य ने न केवल उनका स्वागत किया बल्कि उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। जगदेव 15 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर निकले थे। उन्होंने 18 वर्ष महाराज सिद्धराज जयसिंह देव की सेवा की और पिता की मृत्यु के बाद 52 वर्ष राज्य काज संभाला। उनके बाद उनके बेटे जगधवल धार अधिपति हुए। नमस्कार।